So, hey everybody, this is Sakshi and welcome back to our channel s for Success. So, guys, this is my YouTube channel where you get all the educational videos of science, English, and social science. So, if you want my new videos, then do subscribe to my channel, okay? So, in this lecture, we are going to start the first chapter of our chemistry class 9th, which is matter in our surrounding, okay? So, without wasting any time, let's get started. ओके सो लेट्स स्टार्ट आया चैप्टर तो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन अ सराउंडिंग ठीक है तो इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है ठीक है तो so, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है व्हाट इज मैटर सो एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज टर्मड अस मैटर यानी कि वो सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है जिनका अपना मास है जिनका अपना वेट है और वो एक जगह को ऑक्युपाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैटर ठीक है एग्जांपल बुक कॉपी पेन डस्टर यानी कि देखो वो सारी चीजें जो जिनका वेट हो अब जैसे कि अब देखो अब तुम अपने आसपास देखो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका वेट है जिनका मास है जैसे कि अगर तुम अपने क्लासरूम में देखते हो तो बेंच है बेंच का अपना वेट है टेबल है देन चेयर है देन बोर्ड है चौक है सबका कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना, कुछ, ना, कुछ, ना, कुछ वेट है ठीक है तो वो सारी चीज़ें जिनके वेट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि दे आर मैटर ठीक है पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया कि उसका वेट होना चाहिए अगर किसी भी चीज़ का वेट है तो वो मैटर है दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो कोई जगह वो थोड़ा

ठीक है तो वो बुक भी क्या है वो बुक मैटर है तो सबसे पहले जो भी और अब अपने आसपास देखो ऐसी सी चीजें जिनको तुम मैटर बोल सकते हो अब जैसे यहाँ पे तुम्हें देख रहा है तो यहाँ पे क्या क्या मैटर है यहाँ पे मार्कर इट इज मैटर क्यों क्योंकि देखो इसका वेट है इसका ये वेट है और मैं अगर इसको अपने हाथ पे रख रही हूँ तो ये इतना दूर का स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो इट इज ऑल्सो

मैटर यानी कि बात समझ आई हम मैटर किस चीज़ को कह सकते हैं यानी कि जो भी चीज हमारे आसपास मौजूद हो जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट हो जिसका अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता उसको हम बोलते हैं मैटर ठीक है अब अगर मैं सिंपल सा तुम्हें समझाऊँ कि हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज मैटर है या नहीं यानी कि देखो सिंपल टर्म्स में समझो बस समझने के लिए कि जो भी चीज़ हमें दिख रही है आग से वो मैटर है जो भी चीज को हम देख सकते हैं वो सारी चीजें मैटर है जिस भी चीज को तुम देख लो वो सब मैटर है अपने घर में जाना ग्लास टेबल फैन बुक स्विच बोर्ड वॉल्स जो भी चीज तुम्हें दिख रही है वो सारी चीज मैटर है ट्रीज एनिमल्स हर चीज मैटर है ठीक है तो अब ये तो क्लियर हो गया कि मैटर क्या क्या होता है अब दूसरा क्या है कि मैटर क्या नहीं हो सकता है अब जैसे अगर हम बात करें फीलिंग्स की अब जैसे मैं खुश हूँ ठीक है मैं खुश हूं तो ये कोई मैटर है नहीं ये कोई मैटर नहीं है ये तो मेरी फीलिंग्स है अगर कोई म, मुझे स्मेल आ रही है मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही है सो तो वो स्मेल क्या वो मैटर है नहीं वो मैटर नहीं है वो मैटर क्यों नहीं है क्योंकि वो स्मेल का कोई वेट नहीं है वो स्मेल कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला कि हमें वो चीज दिखनी चाहिए तो वो स्मेल हमें दिख रही है क्या वो स्मेल हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही है हम इमोशंस को सिर्फ फील कर सकते हैं वो हम उन्हें देख नहीं सकते हैं तो जिस भी चीज को हम देख सकते हैं बाई आर आई सो दीस

था कि वो सारी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिनका मास हो उनको हम मैटर बोलेंगे ओके okay? फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मैटर डिज मेड अपनी पार्टिकल्स एटम्स ठीक है अब ये जो मैटर है ताँनी ताँनी, स्मौल, 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 स्मौल से बना होता है जिसको हम कि हम कहते हैं एटम्स ठीक है बात समझो क्या हुआ जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इस मार्केट का ठीक है इट इज द मार्केट अब मैं अगर तुमसे पूछू कि ये मार्केट किस चीज से बना तो तुम क्या बोलोगे ये प्लास्टिक से बना है ठीक है पर हमें केमिस्ट्री की के लैंग्वेज से देखना है कि ये मार्कर किस चीज से बना हुआ है ठीक तो है प्लास्टिक से तो बना हुआ है, ये बात सही है पर वो प्लास्टिक अब किस चीज से बनी हुई है तो अगर हम ऐसे डीप में जाते जाए जाते जाए तो हमें ये बात पता चलेगी कि कोई भी वो जो उसका इनिशियल सब्सटान्स है या फिर ये पूरा जो सब्सटांस तुम्हें दिख रहा है ये किस चीज से बना है ये बना है स्मॉल टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स से और उन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं तो उन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स ठीक है जैसे कि देखो ये अगर पेंसिल है ठीक है अब ये जो पेंसिल है से बनी है तो इसमें बहुत सारे छोटी छोटी छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ठीक है और उन्हीं पार्टिकल से मिलके बना है ये पेंसिल पेंसिल की बात नहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम भी बहुत स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके ही बने हैं कि जो व्हाइट बोर्ड है ये भी स्मॉल टाइनी पार्टिकल से ही मिलके बना है कोई भी चीज जिस भी चीज को हम देखते हैं वो सारी चीजें एटम से बनी हुई है ठीक है ये बात क्लियर हो गई एटम क्या होता है एटम इज अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स और एटम्स को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते ठीक है एटम्स इतने छोटे होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें बहुत ही हाईली मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप लगेगा ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया आ, ये हमारा हमने क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है सबसे पहले तो वो क्लियर हो गया मैटर के एग्जांपल क्या थे कि बुक पेन पेपर चेयर जिस भी चीज को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से वो सारी चीजें मैटर होती हैं ये बात क्लियर हो गई फिर हमने पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स ठीक है ये बात क्लियर हो गई अब जो पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो जो टाइनी टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ठीक है अब क्या क्या है उनकी प्रॉपर्टीज तो अब उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स अब जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिल बना हुआ है अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें अगर तुम अपने क्लासरूम में देखो तो क्लासरूम में अगर तुम अपने चॉक्स के बारे में बात करते हो और डस्टर्स के बारे में बात करते हो या फिर मार्कर के बारे में या फिर व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हो या फिर अपने घर में किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हो तो वो सारी चीज़ें छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम से मिलकर बनी है ठीक है दिस पॉइंट इज क्लियर तो हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में यही पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ठीक है अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे हमारे सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया कि दीज पार्टिकल्स आर स्पेसेस बिटवीन देम ये है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब देखो हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने जैसे कि मार्कर है इसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होंगे मिलियन ऑफ पार्टिकल्स मिले होंगे ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिले होंगे तब जाके ये मार्कर बना ठीक है अब ये जो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है इनके बीच में क्या होता है इनके बीच में होता है स्पेस ओके okay, जैसे कि मान लो ये पहला ऐटम ये दूसरा ऐटम ये तीसरा ऐटम जैसे कि ये इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐटम्स हैं तो इन सारे ऐटम्स के बीच में ये स्पेस होता है ठीक है अब वो स्पेस कम हो सकता है वो स्पेस ज़्यादा हो सकता है पर दो ऐटम्स के बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस रहता है ठीक है सो so, हमने अपने सेकंड पॉइंट में यही पढ़ा था कि दीज पार्टिकल्स हैव हाँ स्पेसेस बिटवीन देम और इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं तो इन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरमोलिक्युलर स्पेस ठीक है क्या कहते हैं इंटेमोलिकुलर स्पेस यानी कि दो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स के बीच का जो स्पेस होता उसको है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस ओके तो अब आते अपने थर्ड पॉइंट पे तो हमारे थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया कि द तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ये मूव करते रहते हैं ऐसा नहीं कि जो पार्टिकल है वो एक जगह पे है नहीं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग ठीक है जैसे कि अभी हम जैसे एयर में खड़े हैं हमारे आसपास बहुत सारा गैस भरा हुआ है ठीक है ऑक्सीजन है सी टू है देन नाइट्रोजन है तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गैसेज है तो ये गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं मतलब कभी जैसे कि मान लो ये गैस है ठीक है अब इसमें क्या है एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ अब ये क्या करेगा ये इधर से उधर उधर से इधर ऐसे ऐसे करके कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेगा ठीक है सो दिस पॉइंट इज क्लियर क्या था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग ठीक तो वो क्या कर रहे हैं दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर ठीक है वॉट आर दे डूइंग दे जस्ट अट्रैक्टिंग इच अदर ठीक है अब देखो अब जैसे दो पार्टिकल्स है सपोज ये दोनों पार्टिकल्स हैं इन दोनों के बीच में क्या है इन दोनों के बीच में पहले तो स्पेस था अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है और ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? और इस अट्रैक्शन को क्या कह कहते हैं तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटेमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं इं। इंटेमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है सो ये था हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो क्या है इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे तो देखो इस पूरे टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था मैटर क्या होता है जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे जिसका अपना मास हो उसको हम बोलेंगे मैटर और अगर सिंपल अगर हम अपने समझने के लिए पढ़ें तो जो भी चीज़ हम देख सकते हैं उसको हम बोलेंगे मैटर ठीक है ये उतनी एप्लीकेबल नहीं है ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला कि जिसको भी हम देख सकते हैं वो मैटर है ठीक है इसको एग्जाम में मतलब क्या जाना ये बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि जिस भी चीज को हम देख सकते हैं वो सारी चीजें मैटर है पर एग्जाम में तुम क्या लिखोगे मैटर क्या होता है सो एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन अर सराउंडिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड है मैटर ठीक है मैटर क्लियर हो गया अब मैटर की बहुत सारे एग्जाम्पल थे जैसे पेन पेपर वो कुछ भी तुम लिख के आ सकते हो वो सारी चीजें मैटर ही होंगी जो भी तुम्हें दिख रही हैं वो सारी चीजें मैटर ही होंगी ठीक है अब जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स ठीक है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम बोलते हैं वॉट कॉल्ड एटम्स ठीक है एटम्स क्लियर हो गया अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है अब उन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी क्या क्या थी वो प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी था कि मैटर इज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है बहुत ही छोटे इतने छोटे कि तुम्हें उनको देख भी नहीं सकते हो हम अपने नेके डाई से पार्टिकल्स ऑफ एटम्स को नहीं देख सकते उन्हें देखने के लिए हमें बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप लगेगा ठीक है दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि दीज पार्टिकल्स बिटवीन दे अब ये जो पार्टिकल पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये और ये तो इनके बीच में क्या है इनके बीच में है स्पेस ठीक है स्पेस और इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमोलिक स्पेस ठीक है तीसरा पॉइंट में हमने पढ़ा था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग जो पार्टिकल्स हैं दे मूविंग वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है ठीक है और चौथा क्या था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर अभी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं यानी कि ये एक दूसरे को आपस में खींचती हैं ठीक है दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर

सारे पार्टिकल्स हैं एटम्स के कि वो इतना सारा पानी को पर्पल कर दे रहे हैं ठीक है मैटर है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं तो so, अपने सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम अब जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में होता है स्पेस अब ये तो मैंने बोल दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होते हैं यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं पर अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे तो देखो तुम लोगों ने भी ये देखा होगा जब भी हम नींबू पानी बनाते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं पानी लेते हैं उसमें शुगर ऐड करते हैं उसके बाद उसमें लेमन ऐड करते हैं फिर उसको ऐसे ऐसे करके स्टिर करते हैं और फिर क्या करते हैं वो नींबू पानी हमारा तैयार हो जाता है पर इसको अब हम एक एक्सपेरिमेंट की तरफ परफॉर्म करेंगे ठीक है अब देखो क्या है हमने एक बीकर लिया ठीक है बीकर लिया उसमें पानी डाला ठीक है उसमें हमने पानी डाला ये पानी है अब क्या किया हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में कि हमने इस बीकर को यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया कि हमने यहाँ तक हमारा वाटर है ठीक है हमारा वाटर का जो लेवल था जैसे ये हमारे वाटर का लेवल है ठीक है तो हमने बीकर में मार्क कर लिया कि ठीक है ये हमारे वाटर का लेवल है और यहाँ पे पानी है अब हम इसमें क्या करेंगे अब हम इसमें डालेंगे अ फुल टेबल स्पून ऑफ वॉटर अ फुल टेबल स्पून ऑफ शुगर ठीक है इसमें हम, हमने क्या ऐड किया इसमें हमने ऐड किया शुगर वॉट इज दिस दिस इज़ शुगर जब हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो जैसे कि मान लो ये इतना पानी है और इसमें हम दो तीन टेबल स्पून शुगर ऐड कर दे रहे हैं और फिर जब हम इसे मिला देंगे तो फिर हमें इससे क्या पता चलेगा कि ये जो शुगर है ये इस वाटर में डिजॉल्व हो गया और ये जो वाटर को हमने मार किया था ये जो वाटर लेवल है ये भी बढ़ा नहीं ठीक है जैसे कि मान लो कि पानी है और पानी में हमने क्या किया हमने दो तीन चम्मच चीनी डाल दिया तो अब दो तीन चम्मच अगर चीनी डाला तो पानी का लेवल तो इंक्रीज होना चाहिए था क्योंकि दो तीन चम्मच चीनी उसमें और डाल दिया है पर पानी का जो लेवल था वो इंक्रीज हुआ ही नहीं जैसे कि अगर हमने इस बीकर में इतना पानी मार्क किया था तो ये पानी अभी भी इतना ही है ये बढ़ा ही नहीं इसको जैसे कि मान लो हमने दो तीन चम्मच अगर शुगर ऐड किया तो ये पानी बढ़ जाना चाहिए था पर ये पानी नहीं बढ़ता है ये पानी यहीं पर रहता है तो ये पानी यहीं पर क्यों रहता है क्योंकि जो पानी के में जो पार्टिकल्स थे जो छोटे छोटे एटम्स थे जो छोटे छोटे एटम्स थे इनके बीच में स्पेस था और इस शुगर ने क्या किया जब हमने चीनी को डाला तो चीनी का जो पार्टिकल्स है वो इन पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके एडजस्ट हो गए ठीक है ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है तो अब ये जो चीनी के पार्टिकल्स क्या करेंगे ये भी इनके बीच में जाके ऐसे 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 करके जाके सेटल हो गए और जाके अच्छे से एडजस्ट हो गए तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो पानी का लेवल था ये इंक्रीज नहीं हुआ और जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें चीनी के पार्टिकल्स जाके अच्छे से सेटल हो गए तो ये क्लियर हुआ कि देखो दो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज में देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ठीक है अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि स्पेस होता है जैसे कि तुम पानी ले लो पानी में तुम चीनी डालते जाओ डालते जाओ तो अगर उस पानी के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता तब तो वो पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता मतलब अगर जैसे कि एक गिलास पानी लिया हमने और उसमें हमने चार चम्मच चीनी डाल दिया तो फिर वो चीनी अगर इतना ज्यादा जम रहा है तो पानी तो ऊपर हो जाना चाहिए पर पानी नहीं बढ़ता है पानी उतना ही रहता है क्यों क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस में वो जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो जाके सेटल हो जाते हैं वो जाकर मिक्सअप हो जाते हैं ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई तो बताइए मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे तो मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में बोला गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग यानी कि अगर ये जो हमारा रूम है हमारा क्लास है इसमें क्या हो रहा है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो गैसेस हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये जो गैस है जो हमारे आसपास का जितना भी एयर प्रेजेंट है उसमें भी होते हैं पार्टिकल्स ठीक है अब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर, कर रहे हैं वो इधर उधर इधर उधर मूव कर रहे हैं ठीक है अब ये हमें कैसे पता चलेगा तो जब भी तुम अगरबत्ती जलाते हो इंसेंस स्टिक्स जलाते हो अपने घर में तो क्या होता है कि तुम एक कॉर्नर पे अगरबत्ती जलाते हो पर उसका जो खुशबू होता है उसका जो एरोमा होता है वो पूरे रूम को खुशबूदार बना देता है ठीक है अगर तुम्हारे घर में अगर बत्ती जलता है तो क्या होता है उसका वो पूरा रूम पूरा घर एकदम मस्त सुगंधित महकने लगता है है ना क्यों होता है ऐसा क्योंकि मान लो कि अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं और अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो वो अगरबत्ती का तो जो स्मेल था वो उतनी ही दूर में रहता जैसे कि मान लो कि अगर ये अगरबत्ती है ठीक है हम ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे इंसेंस्टिक्स जलाएं ऐसे ऐसे करके और इसका ये जो धुआ है ये जो धुआ है ये अगर नहीं फैलता तो ये तो ये जो स्मेल था ये इतनी दूर में रहता पर जो पार्टिकल्स ऑफ एयर है ये क्या करेंगे एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं तो उनके वजह से क्या होता है ये पूरा जो स्मेल होता है ये पूरे रूम में फैल जाता है पूरे हर जगह फैल जाता है तो ये बात क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं ओके okay? नाउ अब आते हमने नेक्स्ट पॉइंट पे तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर अब ये जो दो पार्टिकल्स हैं ठीक है थीके? ये क्या करते हैं ये एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं ठीक है थीके? इनके बीच में जो इंटीमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो अब इसको हम कैसे देखें तो देखो जैसे कि ये हमारा गैस है हम जैसे कि जहाँ पे सांस ले रहे हैं वहाँ पे एयर प्रेजेंट है और एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं ठीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे ये जो है ये सॉलिड है इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास टाइटली पैक्ड होते हैं लेकिन जो गैस का जो पार्टिकल है वो बहुत दूर है ठीक है अब कैसे तो देखो अब जैसे कि मैं ये एयर है यहाँ पे एयर प्रेजेंट है हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है मैं क्या कर रही हूँ मैं अच्छे से अपने हाथ को ऐसे से हिला पा रही हूँ ठीक है आराम से इजीली हिल जा रहा है हाथ फिर अब दूसरा देखते हैं अगर वाटर है पानी पानी का बाल्टी उसमें अगर हम अपने हाथ को ऐसे हिलाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है हमें हिलाने में जैसे कि अगर हम हवा में ऐसे हाथ हिलाते हैं तो कितना इजीली आराम से ऐसे बाय हाय सब कुछ हो रहा है आराम से अच्छे से हो रहा है पर अगर हम पानी में थोड़ा अपना हाथ को हिलाने का कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द एयर है ना लेकिन अगर फिर उसी के कंपैरिजन में अगर हम सॉलिड को देखते हैं तो सॉलिड में तो और टफ़ हो जाता है लो इस मार्कर कि मैं मैं सोचूंगी अपना हाथ का ऐसे हिलाऊं अंदर डाल के तो कभी होगा कभी नहीं होगा क्योंकि इस मार्कर के बीच जो मॉलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है ठीक है तो इसलिए हम इसमें इसको नहीं हिला सकते पर हवा में हम हाथ आराम से हिला सकते हैं हम पानी में हाथ आराम से हिला सकते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ऑफ अट्रैक्शन होता है दे अट्रैक्ट ईच अदर ये जो सॉलिड के ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को बहुत जोर से अट्रैक्ट किए हुए हैं ये एक दूसरे को बहुत जोर से जकड़ के पकड़ लिया इन लोगों ने तो इससे क्या हो रहा है ये हिल भी नहीं पा रहा है पर हवा में क्या हो रहा है हवा के जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो इसलिए हम आराम से हिला पा रहे हैं लेकिन अगर हम वाटर का बात करें अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या है उसमें थोड़ा मीडियम रहता है उसमें हम थोड़ा मुश्किल से हिला पाते हैं पर वो भी हिल जाता है ठीक है ये तो बात क्लियर हो गई तो बात है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ मैटर तो ये जो वर्ड है डिफ्यूजन तो ये तो नया नया लग रहा होगा सुनने में कि अभी जो वर्ड डिफ्यूजन है ये क्या है तो देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि जब भी दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन ठीक है जैसे कि मान लीजिए पहला सब्सटेंस है इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ये दूसरा सब्सटेंस है इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे अब जब इन दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं मिक्स हो जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन ठीक है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन यानी कि किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में घुल जाना उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ठीक है तो क्या बोला कि डिफ्यूजन क्या होता है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस ये है हमारा सब्सटेंस ए ये हमारा सब्सटेंस बी जब ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन ठीक है ये बात क्लियर हो गई डिफ्यूजन क्या होता है अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ ठीक है जैसे कि वो जो इंसेंस स्टिक वाला था जब हम अगरबत्ती जलाते हैं घर में तो क्या होता है कि वो जो अगरबत्ती का स्मेल होता है वो जो अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस होता है वो पूरे घर में फैल जाता है तो वो किसकी वजह से फैलता है तो वो फैलता है डिफ्यूजन की वजह से क्योंकि गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके बाद वो जो अगरबत्ती जब जल रहा है तो उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं यानी कि वो अगरबत्ती वाला पार्टिकल और ये जो एयर वाला पार्टिकल है ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर ये क्या होता है ये एयर पूरे घर में फैल जाता है और उसकी वजह से हमें पूरे घर में वो खुशबू फील होती है ठीक है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसे क्या होता है कि वो परफ्यूम का स्मेल दूसरे तक भी पहुंचता है पूरे रूम में फैल जाता है उस परफ्यूम का स्मेल तो वो कैसे फैलता है तो वो फैलता है ड्यू टू डिफ्यूजन डिफ्यूजन की वजह से क्योंकि जब भी हमने परफ्यूम लगाया तो वो जो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो गए और उस मिक्सिंग अप की वजह से हमें वो खुशबू फील होती है ठीक है सो ये बात क्लियर हो गई तो बात है नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब रेट ऑफ डिफ्यूज भी बढ़ेगा इसका मतलब क्या कि डिफ्यूजन जैसे कि हो रहा है एक नॉर्मल रेट पे जैसे कि हमने अगरबत्ती जलाया थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि पूरे घर में वो अगरबत्ती का पूरा स्मेल फैल जाता है अब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने का मतलब क्या कि वो अगरबत्ती का स्मेल बहुत ही फास्टली पूरे रूम में फैल जाना ठीक है और घटने का मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे फैल रहा है ठीक है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्लियर हुआ कि वो कितनी फास्टली उस पूरे रूम को या फिर उस पूरे सराउंडिंग को कितनी जल्दी वो उसको खुशबूदार बना रहा है ठीक है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी जो डिफ्यूजन है ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी बढ़ेगा मतलब अगर गर्मी ज्यादा पड़ने लगी अभी ज्यादा अगर टेम्परेचर होने लगा तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है यानी कि जो डिफ्यूजन है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा ठीक तो है तो यहाँ पे मैंने वही समझाया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अगर ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो रहा है तो ये जो डिफ्यूजन है ये, ये क्या होगा ये भी इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है अगर ये जो टेम्परेचर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये जो डिफ्यूजन है ये भी डिक्रीज होगा ठीक है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर डिफ्यूजन ऑल्सो Decreases. ये बात क्लियर हो गई नेक्स्ट पॉइंट में ने बोला गया देखो डिफ्यूजन रेट अभी जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या होता है कि जब अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है मतलब गैसेस में अगर कोई चीज घुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी घुल जाती है ठीक है अगर हम वो इंसेंस स्टिक को अगर हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं यहाँ तो क्या होगा कि गैस में क्या होता है कि बहुत ही जल्दी वो फैल जाती है ठीक है अगर उसी के कंपैरिजन में हम देखें कि लिक्विड तो लिक्विड में वो गैस के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो घुलेगी ठीक है अगर हम लिक्विड में किसी भी चीज को घोलते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा पर गैस में अगर हम किसी भी चीज को घोलते हैं तो वो तुरंत घुल जाएगा और उसी के कंपेरिजन में अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड सबसे ज्यादा टाइम लेता है और सॉलिड में जल्दी कुछ भी चीज नहीं घुलता है ठीक है so, तो ये बात क्लियर हो गया तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं डिफ्यूजन ऑफ मैटर क्या होता है कि जब भी दो सबस्टांस के पार्टिकल्स यानी कि सबस्टांस ए के पार्टिकल्स और सबस्ट बी के पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ घुल जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन क्या होता है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ द दार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सबस्टांस ऑन देअर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन क्लियर हो गया उसके बाद द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज वीज इन टेम्परेचर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है यानी कि डिफ्यूजन कब बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर घटा देंगे तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा अब इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं तो देखो जब भी कोई खाना गर्म होता है जब भी गर्म गर्म खाना हमारे किचन में बनता है तो उसका स्मेल हमारे रूम तक आ जाता है हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी मम्मा आज कुछ टेस्टी बना रही है ठीक है तो वो क्यों होता है क्योंकि वहां पर वो जो गर्म खाने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है ठीक है वो जो टेम्परेचर है वो हाई है वो इंक्रीज है तो उसकी वजह से क्या होता है वो जो फ्रेग्रेंस होता है किचन से ये हमारे घर तक आ जाता है ठीक है उसी के कंपैरिजन में अगर हम ठंडे खाने को देखते हैं तो अगर कोई खाना ठंडा हमारे किचन में रखा हुआ है तो उसका स्मेल हमारे रूम तक आता है क्या नहीं आता है ऑब्वियस इसी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका फ्रेग्रेंस हमारे रूम तक आएगा वहां पर डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा पर उसी के कंपेरिजन में अगर किसी चीज का टेम्परेचर कम है तो उसका डिफ्यूजन थोड़ा स्लो डिफ्यूजन होगा और उसका स्मेल हमारे रूम तक नहीं आएगा ये मैंने समझाया था अभी एक गर्म खाने के एग्जाम्पल से कि अगर कोई खाना गर्म रहता है तो उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो हमारे घर तक आ जाता है

लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स को पढ़ेंगे ठीक है सो आई होप आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था वो आप सबको क्लियर हो गया होगा बट इफ यू हैव एनी डाउट इन प्लीज मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग